हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस ड्रेस से मैचिंग ये फ्लावर कैप बनाना बताऊंगी। ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना बताया है, वीडियो को फुल वॉच करें। देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए इस तरह से हम मैजिकल रिंग बनाएंगे। पहले तो इस तरह से देखिए, इस रिंग में से ऐसे धागे को निकाल लेंगे। इससे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए, इसके अंदर हम इस तरह से एक दो दो चैन लेंगे। दो चैन लेने के बाद इस तरह से लूप लेंगे और यहाँ पर तीन लूप हो गए, तो तीनों को एक साथ निकाल देना है। तो एक हमारा ये दो की चैन का हो गया, दो बार हो गया, तीन, चार, पाँच, डबल हाफ क्रोशिया हम बनाएंगे, पांच बार हो गया, फिर से बनाया, छह बार, फिर से बनाएंगे, सात, आठ, नौ और फिर से बनाया दस। तो 10 बार हम यहाँ पर डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे और धागे को इस तरह से अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब देखिए, जो हमारी ये सेकंड चैन है वहाँ पर जाकर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से ये एक सर्कल बन गया। फिर से दो चैन लेंगे और जहाँ पर ये दो चैन बनाई है वहीं पर एक बार डबल हाफ क्रोशिया फिर से बनाएंगे। ये रो भी हमारी डबल हाफ क्रोशिया के साथ बनेगी। इसमें हम 10 के ऊपर 20 बार बनाएंगे। हर एक के ऊपर दो दो बार डबल हाफ क्रोशिया बनाते हुए सेकंड रो को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, सेम प्लेस पर फिर से बनाया। देखिए, दो दो बार हम डबल हाफ क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये रो बनाकर कंप्लीट कर ली है और सेकंड चैन में जाकर इसको ज्वाइंट कर लिया है। अब देखिए, जो ये ग्रीन वाली हमने रो बनाई है, हम वो वाली रो बनाएंगे। अब एक दो तीन, तीन चैन ये हमारी डबल क्रोशिया के साथ बनेगी। सेकंड में जाएंगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसको कंप्लीट हम ग्रीन कलर के धागे से करेंगे। इस तरह से धागे को ऐड कर लिया। अब देखिए, नेक्स्ट में जाएंगे दो बार हम सेम प्लेस पर दो बार बनाएंगे। यहाँ पर ग्रीन वाला हमें दो बार बनाना है और कंप्लीट इसको वाइट कलर के धागे से करेंगे। इस तरह से अब देखिए, यहाँ पर हम एक में एक एक बार बनाते हैं तो नेक्स्ट को हम स्किप कर देंगे, उससे नेक्स्ट में बनाएंगे, क्योंकि कैप में हमारा थोड़ा एक हम स्किप करेंगे बीच में, उससे नेक्स्ट में बनाएंगे दूसरा। कंप्लीट इसको फिर से ग्रीन कलर के धागे से करेंगे और ग्रीन वाले हम दो एक में ही बनाएंगे। एक बार बनाया और यहीं पर दूसरा बनाएंगे। फिर से कंप्लीट इसको वाइट कलर के धागे से करेंगे। देखिए, ग्रीन के बाद एक स्किप करना है, उससे नेक्स्ट में हमें वाइट कलर से बनाना है। एक वाइट बनाया, उससे नेक्स्ट में बनाया, कंप्लीट इसको फिर से ग्रीन से किया। इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वाले को हम इसी कलर से ग्रीन से कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो हमने थर्ड चैन बनाई थी, थर्ड चैन में जाकर इसको हम जॉइंट कर लेंगे और एक चैन लेकर धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। अब देखिए, जो हमने यहाँ ड्रेस में फ्लावर बनाए हैं, देखिए ग्रीन कलर के दो डबल क्रोशिए हैं, तो वहाँ से हम फ्लावर बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने ये येलो फ्लावर बनाया है, इसी तरह से हम ड्रेस से मैचिंग फ्लावर बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, धागे को जॉइंट करेंगे। अब यहाँ पर एक दो तीन, तीन चैन लेने के बाद यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर थर्ड डबल क्रोशिया। धागे को लंबा किया और थर्ड चैन में गए फर्स्ट वाले के, और इस तरह से
निकाल देंगे यहाँ से। ये हमारा पफ स्टिच बन जाएगा और इनके सेंटर में हम दो चैन बनाएंगे और फिर से एक बार और बनाएंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया लिया, दूसरा डबल क्रोशिया और फिर ये तीसरा डबल क्रोशिया। इस धागे को थोड़ा सा लंबा किया, ऐसे छोड़ दिया और फर्स्ट वाले में से ऐसे यहाँ से पिक करेंगे। अब देखिए फिर से सेंटर में दो चैन लेंगे नेक्स्ट में जाने के लिए। ड्रेस में हमने चार चैन ली थी, यहाँ पर हम कैप बना रहे हैं तो कैप में दो चैन लेंगे और फिर से उसी तरह से हम फ्लावर बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं पहले। देख फ्लावर के बीच में भी हमने दो चैन लेनी है और यहाँ पर भी नेक्स्ट में जाने के लिए भी दो चैन ली है। देखिए तीन डबल क्रोशिया बनाए, फर्स्ट वाले को ऐसे छोड़ दिया और यहाँ से देखिए फर्स्ट वाली चैन से थर्ड चैन है उसमें से ऐसे निकाल देंगे। ये हमारा पफ स्टिच बन जाएगा। फिर दो चैन ली सेंटर में और फिर से यहाँ पर तीन बार डबल क्रोशिया बनाया, एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया और फिर ये तीसरा डबल क्रोशिया। धागे को लंबा किया और फर्स्ट वाले में से हम इस तरह से निकाल लेंगे। फिर दो चैन लेनी है और नेक्स्ट में इसी तरह से फ्लावर बनाना है। इसी तरह से बनाते हुए रो को कम। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये फ्लावर मैंने बनाकर रेडी कर लिया है और धागे को कट कर दिया है। अब देखिए यहीं से सेंटर से जहाँ पर हमने दो चैन बनाई है धागे को हम पिक करेंगे। वाइट कलर का धागा हमने कट नहीं किया था, यहीं से ऐसे निकाल लेंगे। एक चैन ली और यहीं पर दो बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया फिर दूसरा सिंगल क्रोशिया। और देखिए बीच में दो हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया स्किप किए थे तो दो के ऊपर हम यहाँ पर दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर बनाया एक डबल क्रोशिया, फिर सेकंड के ऊपर बनाएंगे इसी तरह से दूसरा डबल क्रोशिया। और सेंटर में जहाँ पर हमने ये दो चैन बनाई है वहाँ पर दो बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाया फिर दूसरा सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से फिर से हम ये नीचे दो डबल क्रोशिया स्किप किए थे तो दो के ऊपर दो बार डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाया फिर दूसरा डबल क्रोशिया और यहाँ पर इसके बीच में दो सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं और जहाँ पर हमने एक चैन बनाई थी वहीं पर जाकर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर देंगे इस तरह से। अब देखिए एक दो तीन, तीन चैन लेने के बाद यहीं पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ पर हमने ये थ्री चैन बनाई है। दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, पांच बार डबल क्रोशिया और फिर से बनाया छठा डबल क्रोशिया। एक बार और बनाएंगे सात डबल क्रोशिया। तो देखिए यहाँ पर हमने सात बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए एक चैन स्किप करेंगे उससे नेक्स्ट चैन में जाकर हम सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। फिर से एक चैन स्किप करेंगे नेक्स्ट चैन में फिर से सात बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारी ये कैप बनकर रेडी हो गई है और बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।